हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड रोल। तो ठंडियों के मौसम में हल्की हल्की ठंडी और सुबह ब्रेड रोल खाने को मिले तो क्या बात है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 5 आलू बॉयल कर लिए हैं, उनको अच्छे से पील ऑफ कर लिया है। अब हमें इन्हें मैश करना है, तो आप फोक की सहायता से इसको मैश कर लीजिए अच्छे से। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून चॉप्ड ऑनियन ऐड किया है, 2 हरी मिर्च ऐड की हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक ऐड किया है। मेरे पास अमचूर पाउडर नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे नींबू ऐड कर रही हूँ, नींबू का रस। अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो वही यूज़ करें और अच्छे से मिक्स कर लें इसको। उसके बाद हाथों पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लें और इसके बाद इसकी छोटी छोटी जो है बॉल्स बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे बॉल्स बना लेती हूँ। सारे आलूओं की जो है आप बॉल्स बना लें। तो बॉल्स बन के तैयार हो गए हैं। अब हम जो है ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ऐसे ही सारी ब्रेड के जो है कॉर्नर डिस्कार्ड कर दीजिए। उसके बाद एक बोल में पानी ले लीजिए और उसमें डिप कर दीजिए ब्रेड, और उसके बाद इसको स्क्वीज़ आउट कर लीजिए। तो देखिए, एक ब्रेड के स्लाइस पे आप जो बॉल रखेंगे और दूसरा ब्रेड ऊपर से रख दीजिए और अच्छे से इसको सील कर दीजिए। तो इसको चारों तरफ से आप ऐसे स्क्वीज़ आउट करेंगे तो ये एकदम सील हो जाएगा। उसके बाद आप एक कढ़ाई में ऑयल रखें और इसको फ्राई कर लें। तो इनिशियल में इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करें, क्योंकि ये अंदर से क्रिस्पी हो जाएगा, अच्छे से ब्रेड क्रिस्पी हो जाएगी। और धीरे धीरे इसको पका लें। तो देखिए, ब्राउन हो गया है, गोल्डन ब्राउन, और बहुत ही क्रिस्पी लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको चाय के साथ ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।